हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बोला हूँ जयदुआ सिंह। एक जरूरी सूचना देनी है मुझे सबको कि महाराष्ट्र में हमारे बॉम्बे को छोड़ के पुणे से लेके अभी जैसे हम सैलानी तक गए थे बुलढाणा शहर तक, यहाँ पे कुछ राजनीतिक लोग टिकट लेके हर जगह हो गया, अकोला हो गया, लातूर हो गया, ये सब जगह पे ये लोग टिकट लेके और जात विवाद के बारे में समाज का नाम लेके आपस में झगड़ा लगवा रहे हैं। और आज की तारीख में अगर कोई गाड़ी अनजान दिखती है बदतमीजी होने के रहते हैं। जैसे भी मैं भी शादी करके जब बॉम्बे आ रही थी पुणे के रोड से, तो हम लोग कहीं पे अहमदनगर पहुंचे थे, वहां पे भी कुछ दो लोगों ने ऐसे मतलब अनजान गाड़ियां रोक के लूटपाट करना, जब बदतमीजी करना शुरू कर रहे थे। वो तो था कि उन लोगों को हमने बराबर किया। और अभी ये हो रहा है कि जैसे भी हमारी शादी बीत चुकी है 25 तारीख की, तो भी पुलिस के नाम पे, इसके नाम पे ज़बरदस्ती कॉल करके, अभी जाधव हो गया, फिर ये क्या बोलते हैं ऐसे सब सरनेम नॉर्मल ही हो गई है, ठीक है, नॉर्मल हो गया, जाधव हो गया, शिंदे हो गए, ये सब नॉर्मल सरनेम हो गए। नॉर्मल सरनेम का यूज़ करके पुलिस का नाम खराब करना, या पुलिस वाले भी कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं हमसे, संस्था का नाम पूछते पूछते। एक बात याद रखना, आपका ट्रू कॉलर में नाम आता है और ट्रू कॉलर के नाम के हिसाब से हम आपका पूरा बायोडाटा पता करते हैं। फिर ये हो सकता है कि आप पर पुलिस केस हो सकता है और आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है। हमारी शादी का 16 था, 25 अप्रैल का वो पूरा हो चुका है। और 25 अप्रैल को जब शादी थी और हमें जिसको बताना था हमारी संस्था कौन सी क्या है, हमें जहाँ बताना था हमने बता दिया। ये फालतूगिरी बिल्कुल भी करे ना, क्योंकि मैं पुलिस विलिस का सहारा तो बात की बातें मैं एक अघोरी हूँ। जो तुम्हारे साथ बहुत होगा वो बहुत बड़ा गलत होगा। और एक बात ये है कि जो महाराष्ट्र में अन्य शहरों में ये सब बदतमीजी हो रही है, औरतों के साथ आए दिन रेप हो रहा है, औरतों के साथ बदतमीजी की जा रही है, लोगों के साथ बदतमीजी की जा रही है, इस तरह से जिस तरह से अभी जैसे हम जैसे संस्था वाले जो गरीब बच्चियों की शादी करा के देते हैं, वो तो मेरा कहते ना हमारा ये दूसरा साल था, पहला साल तो हमारे डायरेक्टर ने जयपुर में किया था, दूसरा साल हमने किया। अभी अगर इस तरह से आप लोगों को परेशान करेंगे, मैं पुलिस वालों को भी बोल रही हूँ, बुलढाणा के पुलिस स्टेशन से भी अगर ये मैसेज फ़ोन आ रहे तो आप रॉन्ग कर रहे हो। क्योंकि आपको अथॉरिटी शादी में थी, शादी में अगर कोई भी लड़की नाबालिग मिलती, नाबालिग जोड़े मिलते, तो आपको उस पर अथॉरिटी था एक्शन उठाने का। शादी होने के बाद अगर आप ज़बरदस्ती की अगर फ़ोन करके रिश्वत खाने के चक्कर में करोगे, तो याद रखना कि बोरीवली का बायोडाटा पता करो। बोरीवली में मैं रहती हूँ ना, जहाँ पे वहाँ पे मैंने आधे से ज़्यादा ड्रग्स का बाजार सब कुछ दूर करवाया है, समझे, ऐसी बात है। मैं आपसे लड़ूंगी नहीं, भिड़ूंगी नहीं, मैं आपके नाम पे डायरेक्टली यहाँ पूजा चालू करूंगी। और आप लोग के साथ जो होगा बहुत गलत होगा, ये जो आप लोग फालतूगिरी कर रहे हो ना, आप जैसे लोगों की वजह से लड़कियाँ नहीं भरती है। और बहुत सारे पुलिस वालों का भी नाम आया है जो लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ गलत हरकत करते हैं। अगर मतलब इस तरह से कोई भी एक अनजान शहर में, अभी बीच में भी यूट्यूबर के साथ कुछ लोगों ने रेप किया था और उसके पति को मार दिया था, इस तरह से ज़बरदस्ती पुलिस हो या हो, ये सब ज़बरदस्ती की मानहानि कर रहे हैं। और ये खास करके पुणे से लेके बुलढाणा शहर तक बहुत सारे शहरों की मुझे कंप्लेंट आई है। और एक बात याद रखना, मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। हमने जो भी किया लीगल किया, लीगल तरीके से जो किया है लीगल तरीके से, 25 तारीख की शादी पूरी हो गई, वहीं पे ये मामला ख़त्म हो चुका है। 26 तारीख को हमने जितने जोड़ों को चेक दिया था उनको सबको उनका चीज़ें मिल चुकी है, वो हमारी। और ये हमारी संस्था, हमने जो करवाई है और जितनी लड़कियों को मैंने दहेज दिया है, विद्या देवी ने इंडिपेंडेंट अपने बल पे दिया है, संस्था की तरफ से पैसे नहीं दिए हैं, ये बात याद रखिए। लेकिन कोई भी अपनी इच्छा अनुसार अगर शादी का पूरा खर्चा खुद उठा रहा है, बगैर किसी से पैसे लिए कुछ भी कर रहा है, तो उसे इंडिपेंडेंट आज़ादी है अपनी 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 तरीके से फैसला लेने का। हाँ, उस फैसले में गलत ये हो सकता है कि अगर हमने किसी के साथ गलत किया हो, किसी को पैसा चेक दे के पैसा पास न करवाया हो, या किसी के साथ अनलीगल तरीके से काम किया हो, तो हमारा गलत है। पूरे बुलढाणा शहर ने शादी देखी थी। आप लोग जो घूम रहे हैं नशे बाजाड़ी कहते हैं ना, चोर उचक्के नशेड़ी लोगों को, ये लोगों को आप नहीं पकड़ रहे हो, है ना, जो धंधा बाजार चला रहे हो उनको नहीं पकड़ रहे हो। लेकिन जो लोग अच्छा काम कर रहे हो, तुम जैसे वालों की वजह से कितनी संस्था है, हर कोई विद्यार्थी नहीं होते। तुम लोग जिस तरह से संस्था वालों को डराते हो, धमकाते हो, क्योंकि हमने गांव-गांव घूम के जब पैम्पलेट बांटा था, तो गांव-गांव घूमने पे इतने दलाल मिले थे, जो दलाल लोग हमको कह रहे थे कि हमको एक शादी के पीछे 500 दो, 1000 दो, ऐसा सब बातें कर रहे थे। ये याद रखना कि आप सब पर उल्टा एक्शन हो सकता है। शायद अब तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चेक नहीं किया और वो नहीं किया, सोशल मीडिया के तहत हम लोगों की, गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। हमने किसी से भी 1 रुपया विदाउट 1 रुपया लिए काम किया है, और अगर इस बीच में किसी ने कहा तो सबको चीज़ भारी पड़ेगी, ये याद रखना, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आपको भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं
लीगल तरीके से करते हैं, हमारे पास सारी चीज़ों का प्रूफ होता है, लेकिन ये ना हो कि आपको बाद में प्रूफ देना भारी पड़ जाए, क्योंकि जब जहाँ रॉन्ग होता है वहाँ आप लोग नहीं रहते, और जहाँ पे सही लोग रहते हैं वहाँ पे आप उन लोगों को दबाने और धमकाने को देखते हो, तो ये चीज़ आपको भारी पड़ सकती है, ठीक है? तो बी अलर्ट।